नालंदा विश्वविद्यालय का भव्य उद्घाटन, 800 साल बाद लौटा गौरव। मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं जिफी न्यूज। आज बिहार के राजगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 देशों के राजदूत भी उपस्थित थे। तो आइए समझते हैं क्या है इतिहास और इतनी महत्ता क्यों है आज के दिवस की, आज के दिन की। इसकी स्थापना प्राचीन सदी में गुप्त शासक कुमार प्रथम गुप्त द्वारा किया गया था। प्राचीन समय में इसमें 10,000 छात्र और 1500 टीचर थे। आप समझिए कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में भी काउंट किया जाता था। चीन, कोरिया और जापान से बौद्ध भिक्षु आते थे। चीनी भिक्षु ह्वेनसांग ने यहीं पे शिक्षा ग्रहण की थी। 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया इसे, पर इसके नष्ट करने से पहले यह लगभग 800 वर्षों तक ज्ञान का केंद्र बना रहा। नया कैंपस जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया है, क्या है इसकी विशेषता आज जानते हैं। कैंपस लगभग 455 एकड़ में फैला है। कितने पैसे लगे हैं इसको बनाने में, तो लगभग 1749 करोड़ रुपए लगे हैं, लगभग 1750 करोड़ रुपए लगे हैं। प्रमुख सुविधाएं क्या हैं, 24 बड़ी इमारतें हैं, 450 क्षमता वाला निवास हॉल है, महिलाओं के लिए तथागत निवास हॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, जलाशय, ध्यान कक्ष, 300 क्षमता का ऑडिटोरियम है, योग परिसर है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, एथलेटिक ट्रैक है, व्यायामशाला है, वर्कआउट करने की जगह, मतलब अस्पताल, सारी सुख सुविधाएं हैं इस कैंपस में। शैक्षणिक सुविधाएं क्या क्या हैं, 2 एकेडमिक ब्लॉक है, 40 क्लासरूम है, 40 क्लासरूम, 1900 छात्रों की बैठने की क्षमता है इन क्लासरूम में, 2 ऑडिटोरियम है, 300 सीटें हैं, इंटरनेशनल सेंटर और एमपी थिएटर है और इसकी क्षमता लगभग 2000 लोगों की है। नालंदा विश्वविद्यालय में 17 देशों की भागीदारी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इन देशों ने विश्वविद्यालय के समर्थन में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 137 स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। इस परिसर की एक खास व्यवस्था है, वो खास विशेषता क्या है इस परिसर की, तो ये एक नेट जीरो परिसर है। इसमें सोलर प्लांट, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, 100 एकड़ वाटर बॉडीज हैं। तो इस मौके पे ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज इसको इनॉग्रेट किया। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे, और इसके लिए भारत आज बहुत कम उम्र से ही अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन की स्पिरिट से जोड़ रहा है। आज एक तरफ 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन स्टूडेंट्स में साइंस के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1 दशक पहले स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। तब देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, लेकिन आज भारत में 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं।